1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो हांसी पर भी उसका असर पड़ा। उस समय कुल 23,000 की आबादी थी हांसी की, जिसमें 12,000 हिंदू थे, 11,000 मुसलमान थे। वो मुसलमान अधिकतर पाकिस्तान चले गए, कुछ ही दूर छितरा गए। एक नई शुरुआत थी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी उथल पुथल का ज़माना पहले कभी देखने में नहीं आया। लोग पलायन तो करते थे, कोई काम धंधे के सिलसिले में, कोई किसी सिलसिले में, लेकिन सामूहिक रूप से इतनी बड़ी आबादी का आदान प्रदान पहले कभी नहीं हुआ था। वहाँ से जो लोग आए वो सब कुछ वहाँ छोड़े, सिर्फ अपनी जान लेकर के यहाँ आए थे, बाकी सब कुछ वहीं रह गया उनका। यहाँ तक कि कई परिवारों के पास तो बदलने के लिए कपड़े तक भी नहीं थे। अंदाज़ा कर सकते हैं किन मुसीबतों में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। वहाँ यहाँ आने के बाद तो खैर सब एक हो गया। उस वक्त वहाँ पंजाब के उस हिस्से में मुख्य रूप से हमारे पंजाबी समाज में दो पहचान के शब्द होते थे, एक उत्तराध्य, एक दक्षिणाध्य। उत्तराध्य खत्री लोग थे जो कि वहाँ के मूल निवासी थे, और ज़्यादा करके वो खत्री का मतलब क्षत्रिय से अपभ्रंशित रूप है उसका। वो लोग ज़्यादा ज़मींदार थे, पैसे वाले थे, और जद्दी पीढ़ियों से वहाँ सेटल्ड थे अच्छी तरह से। और जो दक्षिणाध्य थे वो शुरू में जब मोहम्मद बिन कासम ने सिंध को विजय किया तो वहाँ की राजधानी थी अरूर। अरूर से जो वहाँ की प्रजा थी, जो वहाँ के लोग थे, वो मुसलमानों के आने के बाद आगे उत्तर में कमाने खाने के लिए, तो उसके बाद से उनकी पहचान के लिए शब्द बना उत्तराध्य। वो हैं जो उत्तर भारत उसमें रहते थे और खत्री थे। दक्षिणाध्य वो थे जो महाराज उसके सिंध के पतन के बाद, राजा दाहिर के बाद आए। यहाँ जब आए तो वो दोनों का जो इस किस्म का वो था भेदभाव, वो मिट गया, सारे भाई एक ही हो गए। सामूहिक नाम पड़ा पंजाब से आए हुए पंजाबी। तो जब एक नए ढंग से शुरुआत, अब जो खत्री लोग थे संपन्न थे पीछे, तो उनको शुरू शुरू में कुछ झिझक भी हुई, ये छोटा काम है, मैं तो नहीं करूँगा, ये मेरी शान को बट्टा लगता है। लेकिन जो हमारे दक्षिणाध्य भाई थे अरोड़े, उन इसमें कुछ जब भगवान ने जो दिन दिखाया है उसके हिसाब से हमने तो कमा के तो खाना ही है। जैसा भी कोई काम मिला, मजदूरी मिली, मेहनत का काम हुआ, पलेदारी, जो कुछ भी मिला, चिट्टू मोटी किसी ने रेडी लगा ली और कर ली, वो उसमें चले गए। और वो जो खत्री लोग थे वो ज़्यादा करे किसी ने दुकानदारी अपना ली, किसी ने अपना कोई छोटा मोटा एक साबुन बनाने की फैक्ट्री लगा ली, और मतलब उन्होंने कोई भी मेहनत मजदूरी या काम करने के बजाय इस किस्म का एक लाइन पकड़नी ज़्यादा अच्छी समझी। अब तो एक इतिहास की बात होगी, आज से पहले बहुत लोगों को शायद मालूम भी ना हो कि कभी ऐसा भी होता था। हमारे अंदर ही दो ग्रुप होते थे, उत्तराध्य दक्षिणाध्य, आपस में रिश्तेदारी भी पाकिस्तान में नहीं होती थी इनकी। और उसके बाद अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से आज स्थान न केवल हरियाणा में और पंजाब में, बल्कि आप ये देखें हिंदुस्तान में जो अपना पंजाबी समाज है उसने एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। यहाँ के लोग हरियाणा पंजाब से बाहर निकल करके, हिंदुस्तान से ही बाहर निकल के आज बड़ी अच्छी जगह पहुँच गए हैं। तो इसकी एक मिसाल देता हूँ, बुद्धि बल हमेशा ही बाहुबल से ज़्यादा होता है। कारण उसका कि बुद्धि जो काम कर सकती है, हाथी को भी बेड़ी पहना सकती है, शेर को भी पिंजरे में ला सकती है। हमारे वहाँ उस वक्त आए हुए भाइयों में से पैसे तो पास में थे नहीं, करनी दुकानदारी थी, कोई काम ही करना था, और कोई मिलिट्री में तो भर्ती होना नहीं था इन्होंने, ना कोई ज़मीन थी जो यहाँ अपना ज़मीन अपनी बोलें और कुछ कर लें।
तो वहाँ एक भाई ने समझदारी से लाला जगमंदर दास नाम के दुकानदार होते थे सदर बाज़ार में, आजकल वो गुजर लिए, उनके पोते वगैरह बैठते हैं। तो जितनी एजेंसियाँ थी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की और जो भी एजेंसी उसी के पास ज़्यादा होती थी, जगमंदर दास के पास। उसके पास अपना एक पंजाबी भाई गया, अखे लाला जी मुझे कुछ काम दे दो। भाई काम क्या दूँ, पहले दुकानें ऐसी ही होती थी, उसमें दो चार नौकरों की ज़रूरत ही नहीं होती थी। भाई ये दुकान है, मैं और मेरा बेटा है, क्या करूँ तेरी सेवा, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। लाला जी आप एक ही काम कर लो, मुझे ये अपनी जो आप उस पर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की दो साबुन आती थी, लाइफ बॉय नहाने के लिए और सनलाइट कपड़े धोने के लिए, और वो गत्ते की बजाय अब तो गत्ते में आने लगे, पहले वो लकड़ी की पेटियों के अंदर आती थी, 25 साबुन उसमें आती थी और वो 24 के भाव से मिलती थी। बोला लाला जी ऐसा कर लो आप, मेरे को एक पेटी दे दिया करो। ठीक है भी ले जाया कर पैसे। लाला जी ऐसा है, पैसे तो देखो मेरे पास हैं नहीं भाई, फिर उधार में तेरी कैसे करूं, तुम तो अभी नए तो आए हो, हांसी में तुम्हारा कोई मकान नहीं, कोई तुम्हारी ज़मीन नहीं, मैं ढूंढूं किसको, तुम भाग गए तो। बोले लाला जी विश्वास कर लो, मैं ऐसा आदमी नहीं, बोले विश्वास भाई देखो दुकानदारी अपनी जगह है, विश्वास अपनी जगह है। बोला जी अच्छा मैं कल आऊँगा। वो अगले दिन बेचारा कैसे कर करा करके 5 रुपये की पेटी आती थी, 5 रुपये कहीं से ले आया, लो जी पेटी उठा करके ले गया चौपटे के अंदर जहाँ आजकल प्याऊ बनी हुई है, यहाँ पहले वैसे ही खुली जगह पड़ी थी, उसने वो पेटी रखी और दो आने की आती थी साबुन। लो जी दो आने मतलब दो आने की दुकानदार बेचते थे सारे, और वो दो आने की वो खरीद कर लाया था जगमंदर सिंह से, दो आने वो बिक गई शाम तक, एक तो साबुन की चक्की बच गई उसमें। और लाला जी को जाकर लो जी आपके पैसे, ये मैं कल फिर आ जाऊँगा, कल आ जाइए। अगले दिन वो फेरा, वो डर तो छोरे कमावे कैसे है, अरे जिस भाव हम बेच रहे हैं तेरे को उसी भाव तू वहाँ बैठ के बेच रहे, तेरे को क्या बचत है। हमने तो सुना था पंजाबी बड़े समझदार हों, ये तो मूर्खों वाला काम कर रहा, जितने ही ले रहे उतने ही बेचे, तो धर्मशाला खोलनी है। लाला जी कोई नहीं, भगवान सबको रोटी दे रहा है, नहीं बात तो बतानी चाहिए। बोला लाला जी अब मुझे हो गए इस काम करते 6 महीने, मेरे पास थोड़ा पैसा भी हो गया है, अब मुझे इतनी परवाह नहीं है भाई, कल को आप मेरी ये बिजनेस सीक्रेट अगर समझ जाओगे तो कल को फिर मुझे काम नहीं दोगे। ऐसे है आपसे मैं ले जाता हूँ पेटी, साबुन बेच दी, एक तो उसमें चक्की बच गई, दूसरे के है वो जो खाली पेटी है ना लकड़ी की, मैं वो बेच देता हूँ, वो भी 2-3 पैसे की बिकी जाती है, इस तरह से मेरा काम चल रहा है, रोटी में गुरुद्वारा में खा जाता हूँ, और यही है जी मेरा बिजनेस सीक्रेट। बोला यार छोरे बात आज तक हमारे कभी ध्यान में को नहीं आई। बोला जी भगवान ना ही करेगा आपको ऐसे दिन देखने पड़े और आपके ध्यान में ऐसी बातें आवें, तो अब तेरा क्या प्रोग्राम है। बोला जी काम तो यही करना, दुकानदारी जाना है, और तो कुछ जानते नहीं। तो बेटे एक काम कर ले, मैं तेरे को साबुन दे दिया करूँगा, साथ में कुछ और सामान, एक साइकिल तेरे को निकलवा देता हूँ पुरानी, वो मेरी जिम्मेदारी के ऊपर, तो फेरी लगा करके बेच लिया कर। बोला लाला जी फेरी तो मैंने देखा यहाँ गांव में कोई साबुन से नहाता ही नहीं, ना कोई लोग कपड़े धोते, बोला नहीं साबुन की ज़रूरी है लगानी, और कुछ चीज़ें भी तो हैं। ठीक है जी, वो 1 रुपये का 1.5 रुपये का उसको सामान लाला जी दिला देते, और वो फिर उसको बेच करके शाम को लाला जी के पैसे ले देता, अपना जो समझता वो आप रख ले। तो ऐसे हालात के अंदर हमने अपनी शुरुआत की, एकदम फर्श से और अर्श तक जाने की कहानी ये रही। बाज़ार तो हर बड़े शहर में होते ही हैं, बाज़ार के बिना तो शहर ही नहीं बनता। लेकिन हांसी में एक बड़ी विचित्र बात है कि यहाँ बाज़ार की मिसेज बजरिया भी है। बजरिया अलग से एक स्थान है, आप उसको मीना बाज़ार भी कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतर वहाँ महिलाएं ख़रीदारी करती हैं, उन्हीं के मतलब का सामान ज़्यादा मिलता है वहाँ। तो बाज़ार के साथ उसके मिसेज बजरिया का हांसी में ही एक मिलता है उदाहरण। दूसरा है हांसी के एक छोर पे गरीब खाना है, अब उसका नाम बदल कर यति नगर कर दिया गया है, पहले वो गरीब खाना ही था,
और हांसी के दूसरे छोर पर धनी घाटी है, वो तो अभी इसी नाम से जानी जाती है। धनी घाटी भी है और गरीब खाना भी है। शहर के जो दो मतलब परस्पर उत्तर और दक्षिणी ध्रुव है ना, उनकी सी बात हो जाती है। एक यहाँ बस्ती का नाम है, पुरानी बस्ती का, डड्डल। बहुत कम लोग जानते हैं ये अजीब सा नाम है क्यों। एक्चुअली क्या था कि जो शहर का अधिकतर पानी था उसका ढलान ऐसा था कि वो वहीं जाता था और वहाँ अक्सर दलदल रहती थी, उसकी वजह से उसका नाम दलदल था। दलदल से धीरे धीरे डड्डल बन गया वो। और ऐसे ही एक कि अपना नाम बदलने की बड़ी अजीब किस्से होते हैं। जहाँ आजकल नई सब्ज़ी मंडी बनी हुई है, सब्ज़ी मंडी बनने से पहले इसको लोग शंभू का जोहड़ कहते थे। एक्चुअली शंभू ने ना तो ये खुदवाया, ना शंभू नाम का कोई महान आदमी है जिसके ऊपर इसका नाम पड़े। इसका नाम लाल घाट था पहले। और मेरे देखते की बात है कि सन 54-55 तक यहाँ वो जैसे ये अपनी ईंटें हैं, छोटी ईंटें लाल रंग की होती थी, ज़्यादा अच्छी पकी हुई, उनका एक चौकोर तालाब बना हुआ था। उसके चारों किनारों के ऊपर बुर्जीदार छोटे छोटे वो एक कोठड़ी टाइप की चीज़ें बनी हुई थी और सारा लाल पत्थर का बना हुआ था ये, मतलब लाल ईंटों का। तो इसको लाल घाट कहते थे, इसका प्राचीन नाम लाल घाट था। शंभू कैसे हुआ? शंभू जैन नाम का एक सज्जन था जो बिजली घर में नौकरी करता था। उस समय बिजली घर भी प्राइवेट था, रोहतक हिसार इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हिसार वालों की थी वो। उसमें वो बेचारा साधारण मजदूर था। एक दिन वो उसके बच्चों को घुमाने के लिए, रक्षा उसको चलानी भी नहीं आती थी, बढ़िया था उसने कभी क्या रक्षा खींची थी, लेकिन उनको बिठाने वो घुमाने के लिए वो ले कर जा रहा था। तो जब उमरा गेट से और वो उसके कोठी की तरफ जाने लगा, सड़क यही थी, लेकिन अब तो सड़क काफ़ी चौड़ी है, उस वक्त बहुत भीड़ी होती थी, लगभग होगी ये कोई 5-6 फुट की लगभग इतनी सड़क थी। उसके बच्चे बैठे हुए थे और वो चला रहा था। सामने से एक और वो कोई रिक्शा या ऐसी कोई चीज़ आई, उसके हाथ पैर फूल गए, अच्छा ड्राइवर था नहीं वो, उसने ऐसे ढंग से उसको काटा, वो बच्चे भी वो भी रिक्शा सारे जोड़ के अंदर जा गिरे। चांस की बात, जो छोटे बच्चे थे वो तो बच गए और वो अच्छा बड़ा आदमी था वो उसके अंदर डूब करके मर गया। उसके बाद से इसका नाम शंभू वाला जोड़ कहने लग गए लोग, जबकि शंभू नाम किसी व्यक्ति ने ना इसकी खुदाई करवाई ना कुछ और था। और ऐसे ही एक अपना हांसी का पेड़ा उद्योग बड़ा मशहूर है। पहले यहाँ के लोगों को भी वहाँ और भी किसी को अगर इच्छा होती थी पेड़ा खाने की तो मथुरा जाना पड़ता था, आसपास कहीं था नहीं, या इसका वहाँ से कुछ एक लाला धुनीचंद नाम के एक बनिए हैं, उनकी दुकान आज भी है, बड़ी मशहूर दुकान है पेड़ों की, वो वहाँ से आए थे राजस्थान से। आज भी वो परिवार बागड़ी परिवार कहलाता, बागड़ से आए हुए। बागड़ का मतलब यही होता है कि जो रेगिस्तानी इलाके से आए हों। उन्होंने यहाँ आकर के हलवाई की दुकान खोलने का विचार किया, तो सोचा भाई कोई ऐसी नई वैरायटी हो, लोग मेरी दुकान पर आएँ, वरना पहले जो मेरे से पहले के बैठे हैं मेरे तो क्यों आएगा कोई। उसने सोचा कि पेड़े बनाए। अब मथुरा का पेड़ा मावा खींच करके उसको भूनते हैं, भून करके फिर उसका बनाते हैं, वो हल्के से बादामी रंग का हो जाता है। सेठ जी ने एक नया ख्याल लिया कि भूनने की ज़रूरत नहीं है, कच्चे ही मावे का बनाओ। उन्होंने वो कच्चा मावा लेकर के बनाया, लेकिन उनकी टेक्निक बड़ी अच्छी थी। अभी कोई 20-25 साल से वो टेक्निक बंद हुई, अब तक वही चलती आई। पहले भैंस का दूध लाते, उसको कपड़े में से छानते कढ़ाई के अंदर, फिर उसको तई में डाल करके, तई यानी एक लगभग 8-10 इंच का कढ़ाई होती थी गहराईदार, उसके अंदर उसको दूध को सुखाते थे। जब वो सूख जाता, बीच बीच में उसको उतार करके भाई लग ना जावे, उसका मावा बनाते रहते थे। बाद में उस मावे को ठंडा करते,
फिर उसमें बूरा, वो भी घर की कुटी ही होती थी, चीनी को दूध डाल डाल करके साफ़ करते, उसको फिर सुखा करके फिर उसका बनते, तो वो उसकी जो होती थी बूरा उसको उसमें मिला करके उसके पेड़े बनाते थे। अब तो बड़ा आसान काम हो गया है, थैली का दूध या पाउडर में पानी मिला करके उसको डाला, थोड़ा उसमें अंदाजे का ये अपना सोयाबीन का या किसी चीज़ का तेल डाला और चीनी भी उसके अंदर ही डाल ली और उसको बना करके तैयार कर दिया। तो वो उस वक्त लाला जी की नई एक सोच थी, नई मिठाई थी, यहाँ आसपास के इलाके में किसी ने खाई नहीं थी, मथुरा वाले से इसका टेस्ट भी अलग था, ये प्रसिद्ध हो गया। और आज भी इसकी पाँचवीं पीढ़ी के अंदर वो दुकान उनके उसी नाम से चल रही है, अब तो उनकी कई दुकानें बन गई हैं। तो हांसी का पेड़ा मशहूर था।